Hello. Today we are going to see meditation practices through ओम chanting. So इससे पहले हम क्या करेंगे, ओम chanting करने के लिए जो प्री practices जरूरी है, conditioning जो जरूरी है, उसके ऊपर काम करेंगे. तो सुखासन में आप लोगों को बैठ जाना इस तरीके से क्रॉस लेग्स करते हुए. देन आपको क्या करना है, अपने शोल्डर्स को रोटेट करना है क्लॉकवाइज. वन स्लोली, टू, थ्री, फोर एंड फाइव. ना उल्टा एंटी क्लॉक. फाइव, फोर, थ्री, टू एंड लास्ट वन. देन नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे हम. तो अपने हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों पे रख लेना है, ढीला छोड़ दीजिए उसे. एंड बैकवर्ड जाएंगे हम एक्सपांशन करते हुए. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन आप. Forward contraction, expansion up, forward contraction, and release. ये होने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी ट्विस्टिंग करेंगे साइड को लेते हुए, जिसमें आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से रखना है फोल्ड करते हुए. देन यू हैव टू मूव टू द लेफ्ट साइड, सेंटर टू द राइट साइड, सेंटर अगेन लेफ्ट, सेंटर राइट, center one more left, center right and center. ये हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अपने नेक की एक्सरसाइज करनी है बढ़िया तरीके से. तो क्या करना है, नेक को हम करेंगे अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड. देन बेंड टू द लेफ्ट साइड, बेंड टू द राइट साइड, अगेन टू द लेफ्ट, टू द राइट. नाउ रोटेट इट क्लॉकवाइज. Anti-clockwise, you can repeat it once again if you want. ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे ओम चांटिंग. थोड़ी मोटी एक्सरसाइज प्री प्रैक्टिसेस कर लेनी है ओम चांटिंग को लेते हुए. आप चाहो तो इसमें एक और एडअप कर सकते हो जो आपको गला को कहीं ना कहीं साफ करने में आसानी करेगा. जब हम ओम चांट कर रहे हो तब उसमें कोई दिक्कतें हमें नहीं आएगी. वो उसे कहते हैं सिम्हा आसन. तो आपको इस तरीके से सुखासन में बैठना है, अपने हाथों को इस तरीके से अपने जमीन पर रखना है एंड एक ब्रीद इन करना है नॉस्ट्रल से एंड अपने थ्रॉट से, अपने अंदर से कहीं ना कहीं आवाज निकालनी होगी हमें. जम टू काउंट्स यहाँ पर देंगे. सो ब्रीद इन, वन मोर ब्रीद इन, इससे क्या हो जाएगा, जो आपका थ्रॉट एरिया है वो क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा. जब हम ओम चैंटिंग करेंगे तो वो बहुत बढ़िया तरीके से हो पाएगा. तो इसे करना है ज्यादा काउंट्स नहीं, 2 to 3 काउंट्स हमें इसे देने हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ओम चैंटिंग. फोल्ड योर लेग्स,
देन आपके थिंब थंब एंड इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से रख लेना है अपने घुटनों पर एंड आईज क्लोज्ड. ब्रीद इन, रिलैक्स योर बॉडी. Become aware of your whole body and your consciousness. Of the pillar on the right side, center of your body. Again, breathe in. Just let go all your thoughts. That all the day you are holding out. And breathe in. Chant Om. Let's stay with our breath for 3 more rounds. And feel the sensation which may arise. And also feel the relaxation. When you are ready, gently warm your palms by bringing them together. And softly cover your eyes. Bringing back to your knees.
स्लोली ओपन योर आईज। सो दिस वी हैव सीन मेडिटेशन प्रैक्टिस थ्रू ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग इज एन अवेयरनेस प्राणायाम। It's an awareness pranayam or we can say a concentration pranayam. आप इसे करोगे कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी आपको मिलेगी, एक अवेयरनेस आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हो व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, राइट। व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड तो आप पाओगे कहीं ना कहीं एक सामने से कार आ रही है, एक लेफ्ट साइड से आ रही होती है, एक राइट साइड से आ रही होती है। तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक जगह ध्यान नहीं लगाना होता है, आपको मल्टीपल जगह ध्यान लगाना होता है। आपका जो कहीं ना कहीं अवेयरनेस होनी चाहिए वो मल्टीपल जगह होनी चाहिए, सामने भी, लेफ्ट भी और राइट भी। तो मल्टीपल फोकस और वी कैन से अवेयरनेस इज कॉल्ड अ ओम चैंटिंग। तो इससे आपको बहुत बढ़िया अवेयरनेस मिलेगी थ्रू ओम चैंटिंग। थैंक यू।